ये हम लोग का माइक्रोटेक स्क्रू इन्वर्टर है, इसमें हम लोग चार्जिंग सेक्शन आउटपुट सेक्शन के बारे में बता रहे हैं, ये ड्राइंग के हिसाब से बताते हैं। ये हम लोग का और ड्राइंग भी माइक्रोटेक माइक्रोटेक इन्वर्टर का ये एस्टिमेटिक डायग्राम है, जिसकी वजह से हम लोग इसमें इन्वर्टर के पीसीबी को रिपेयरिंग करना बताते हैं। ये पीसीबी में हम लोग का चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेलिंग बताते हैं, और साथ ही साथ इसमें आउटपुट सेक्शन कैसे काम करते हैं उसके बारे में डिटेलिंग बताते हैं, ऑसिलेटर कैसे काम करता है यानी ओवरलोड सेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेलिंग बताते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसमें बताते हैं ट्रांसफार्मर का क्या वर्क है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, एसी लाइन को हम लोग कम वोल्टेज कैसे चार्जिंग में कैसे लेके जाते हैं, उसके लिए एक सेक्शन बनाया गया चार्जिंग सेक्शन, उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपका माइक्रोकंट्रोलर आईसी है, इस माइक्रोकंट्रोलर आईसी से एक पल्स रिलीज होता है जो कि आपको एनी 555 में जाता है, जिससे वो पल्स निकलने के बाद ट्रांजिस्टर ऑन होता है, इससे ट्रांसफार्मर स्विचिंग क्रिया करता है, इसके वजह से वहाँ पे एसी जनरेट होता है, उस एसी को हम लोग डीसी में बदलने के लिए डायोड का यूज करते हैं और इस ड्राइव को ऑन करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग रिले यूज करते हैं, चार्जिंग रिले या इनपुट रिले, ठीक है। उस रिले के जरिए क्या करते हैं, वोल्टेज एसी वोल्टेज को ला के रखा जाता है और स्विचिंग क्रिया के जरिए ट्राइक हम लोग डायरेक्टली ट्राइक को देते हैं, और ट्राइक से स्विचिंग क्रिया के जरिए उसका आउटपुट एक ट्रांसफार्मर से लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, जिसके वजह से इसमें एसी बन जाता है और वो एसी स्टेप डाउन होकर आउटपुट में ड्रेन के जरिए निकलता है, ठीक है। उसी को फिर हम लोग डीसी बनाते हैं और डीसी बनाने के बाद फिल्टरेशन करते हैं और उसको चार्जिंग के लिए बैटरी को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग का ये चार्जिंग सेक्शन पूरा होता है। ये भी हम लोग का इन्वर्टर का पीसीबी माइक्रोटेक का इन्वर्टर स्क्वायर वेव का है, इसको इस हिसाब से खुले बोर्ड में बताते हैं, और ये आपका मेन जो कि आपका इन्वर्टर में बताते हैं। इसमें टेस्टिंग, इसमें हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग दोनों प्रकार का बताया जाता है, सब कंपोनेंट्स को चेकिंग करना, उसका ट्रेसिंग करना, उसके दोषों को ढूंढना, इसके बारे में डिटेलिंग सब बताते हैं।